हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय धाकड़ और आज हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ मेन इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उनकी जो ट्रू वर्शिप है उसके बारे में उसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 7 मई 1861 को। डेथ कब हुई थी उनकी? 7 अगस्त 1941। उनके डैडी का नाम क्या था? फादर्स नेम देवेंद्र नाथ, माता का नाम शारदा देवी, उनकी वाइफ का नाम था भवतरणी देवी। शादी के बाद उनका नाम पड़ा मृणालिनी देवी। इसके बाद मैरिज हुई उनकी 1883 में उनकी शादी हुई। उनको 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। उनका डेट प्लेस है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था वो है दैट इज़ कलकत्ता। तो आइए अब हम ट्रू वर्शिप के MCQ लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, वैन वॉज रविन्द्रनाथ टैगोर बॉर्न। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो अभी हमने जस्ट में पढ़ा है 7 मई 1861। द सेकेंड क्वेश्चन इज, विच यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई गई थी? वो है विश्व भारती। एंड इन विच ईयर वॉज रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? तो 1913 में उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर डिड रविन्द्रनाथ टैगोर सरेंडर द नाइटहुड एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियावाला बाग मैसेक्रे? तो 1919। वैन डिड रविन्द्रनाथ टैगोर डाई? रविन्द्रनाथ टैगोर उनकी डेथ कब हुई थी? 7 अगस्त 1941। What does the poet want us to do before putting flowers upon the feet of God? The correct answer is to fill our house with the fragrance of love. What should we do with our hearts first? Remove the darkness of sin from our hearts. The next question is, who are the downtrodden as mentioned in the poem? Downtrodden किसे कहा गया poem में? तो आप देखें, people who are treated so badly by rich and powerful people. And how should we treat the downtrodden people? हमें downtrodden लोगों को कैसे treat करना चाहिए? तो we should give them support. हमें उनका support करना चाहिए, love करना चाहिए और उनकी care करना चाहिए. What should we learn before bowing our heads in prayer? To bow in humility. द वर्ड अल्टर मीन्स, अल्टर का मतलब क्या है? अल्टर मीन्स का क्या मतलब, अल्टर का क्या मतलब होता है? तो अ होली टेबल। वॉट डज द वर्ड ह्यूमिलिटी रिफर इन द पोयम? तो दैट इज करेक्ट आंसर इज हम्बलनेस। वॉट इज ट्रू वर्शिप अकॉर्डिंग द पोएट? अकॉर्डिंग पोएट के अकॉर्डिंग ट्रू वर्शिप क्या है? टू फॉलो वॉट गॉड वॉन्ट्स, फॉलो करो जो भगवान चाहता है। नेक्स्ट, What according to the poet God wants us to do? Correct answer is to serve the mankind with love and equality. मतलब मनुष्य जाति की सेवा करना प्यार और समानता के साथ। थैंक यू।